साध्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य क्रियान्वित की जाती है उसको साधना कहा जाता है। साधना का तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से परे होकर के जो क्रिया की जाती हो उसको साधना शब्द से कहा गया है। साधना का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा हम अपने मन आदि इंद्रियों को अपने वश में करें, क्योंकि किसी के द्वारा कहा भी गया है मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मुक्षय। जो हमारे अंदर जो मन है वह क्या है, बंधन और मोक्ष का कारण है। किस कारण से है इसको हम समझते हैं कि जैसे एक गाड़ी है, जैसे जड़ गाड़ी चालक के बैठने पर गाड़ी चलती है और कोई कहे कि बिना चालक के ही गाड़ी चलने लग जाए तो उसको मूर्ख कहा जाता है, उसको अज्ञानता से परिपूर्ण कहा जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा मन है, जो हमारी जो इंद्रिया है, ये जीव के संपर्क में आने से, जीव के संसर्ग से इसमें चेतना का आवास होता है, लेकिन हे वस्तुतः यह जड़ है। ये जड़ चीज में केवल जीव के संपर्क से ये मन इंद्रिया आदि चलायमान होते हैं और हम कहें कि हमारा मन नहीं रुकता है तो हमारी क्या है, अज्ञानता की पराकाष्ठा। इस कारण से जैसे गाड़ी जड़ होते हुए भी चालक उसको चला करके दूर दूर तक ले जाता है और अपने कंट्रोल में रखता है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना पड़ेगा, उस मन को अपने नियंत्रण में रखना पड़ेगा। जैसे चालक गाड़ी को रखता है उसी प्रकार से हमें मन इंद्रियों को भी हमें अपने बस में रखना पड़ेगा। इस कारण से उस मन को बस में रखने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के अंदर अष्टांग योग की विधि बताई, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और जो अंतरक साधना के अंदर प्रत्याहार, धारणा और समाधि का उन्होंने उल्लेख किया। क्योंकि प्रत्याहार, ध्यान और समाधि ये अंतरक अंग है जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक मंजिल पर साधना रूपी जो मंजिल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो मन चित्त बुद्धि के धरातल पर जो साधना की जाती है, जिसमें यह आवास होता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं तप कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ आदि जो भी क्रियाएं हम करते हैं, ये सब बातें हमें याद रहती हैं। लेकिन जब हम ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर मन बुद्धि की धरातल से ऊपर उठ करके केवल आत्मिक दृष्टि से जब हम उस कार्य को कर रहे होते हैं, उस समय यह आवास नहीं होता कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस कार्य को कर रहा हूँ, मैंने इतने बार जाप कर लिया है, मैंने इतनी साधनाएं की है, मैंने इतने घंटे ध्यान कर लिया, यह आवास हमें नहीं होता है। यह है वास्तविक साधना। इस कारण से कहा गया था कि हमें पहले मन को साधना है, जब हम मन को साधेंगे तब जाकर के हमारी वास्तविक साधना होगी। जब तक मन सधेगा नहीं, जब तक हम मन को अपने वश में नहीं करेंगे, क्योंकि यजुर्वेद का भी कथन है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन कैसा हो, शुद्ध कल्याणकारी हो, शुद्ध संकल्प वाला हो, निर्मल हो, पवित्र हो, वेद में इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। आज भी इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा हमारा मन शुद्ध संकल्प वाला। हमारा मन शुद्ध संकल्प वाला कब होगा, जब हम एक विषय से मन को हटा करके दूसरी वस्तु में लगाएंगे, तब जा करके मन की चंचलता समाप्त होगी। जैसे संसार के जो पदार्थ हैं, रूप को देखा तो संसार में विभिन्न प्रकार के रूप है जिसमें मन नहीं रोक सकता है, अनेक प्रकार के गंध है जिसमें हमारी नासिका नहीं रुक सकती है, हमारी इंद्रिया नहीं रुक सकती है। लेकिन संसार में इससे भी भिन्न जो वस्तु है उसमें जाकर के हमारा मन रुक सकता है, उस भिन्न वस्तु को ही परमात्मा कहा गया है। जब हम परमात्मा के स्वरूप में मन को एकाग्र करेंगे, परमात्मा के स्वरूप में जाकर के मन को टिका देंगे, तो संसार में जो उसको सुख मिल रहा था उस सुख से जब मन हटेगा, जब उसको
परमात्मा के स्वरूप में जो उसको सुख मिलने लग जाए, उसमें आनंद मिलने लग जाए, तो मन क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। मन के स्थिर होते ही हमारा जो लक्ष्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा और हमारी जो साधना की स्थिति है वो भी पूर्ण हो जाएगी। इस कारण से साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना बाह्य रूप से न करके हमें आंतरिक रूप से साधना करनी चाहिए, क्योंकि आंतरिक रूप से ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, जीव की अनुभूति कर सकते हैं, मन चित्त बुद्धि आदि का हम दर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इसी को साधना शब्द से कहा गया है, क्योंकि जो साध्य को प्राप्त करे, हमारा साध्य कौन है? हमारे प्रियतम अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी है, हमारे प्रियतम है, जो परमात्मा है वही साध्य होता है। इस कारण से जो साध्य को प्राप्त करने के लिए मूल रूप से जो शरीर के धरातल पर मन बुद्धि के धरातल से ऊपर उठ करके जो भी हम कार्य करेंगे वो साधना की कोटि में आएगी। इसलिए यहाँ पर मन चित्त बुद्धि अहंकार जो पंचभौतिक जो भी पदार्थ है उसमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गीता का भी कथन है, न तत्र भासयते सूर्य न सा शंको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मतलब जहाँ पर मन चित्त बुद्धि नहीं पहुँच सकती, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता है, हमारे चित्त की वृत्तियाँ नहीं जा सकती है, वह हमारा धाम है, वह हमारे परमात्मा का निवास स्थान है जो गीता कह रही है। तो हमें भी साधना को सफल करने के लिए, वास्तविक साधना करने के लिए हमें मन चित्त आदि जो शारीरिक जो भाव है उससे उठ करके ऊपर उठ करके आंतरिक दृष्टि से जब हम साधना करेंगे, अंदर की नज़र से साधना करेंगे, तब जा करके हमारी साधना सफल होगी। इसलिए साधना को सफल करने के लिए एक ही उपाय है, ईश्वर परिणिधान, क्योंकि योग दर्शन के अंदर भी कहा गया है ईश्वर परिणिधानत्व, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्मा, क्योंकि ईश्वर के प्रति मतलब परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करने से ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का ही है, ये शरीर जो है ये परमात्मा ने मुझे दिया हुआ है, मेरे अंदर जो भी ज्ञान है वो भी परमात्मा का है, जो मेरे अंदर जो विद्या है वो भी परमात्मा का है, मन चित्त बुद्धि अहंकार से जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भी परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधन है, ऐसा मान करके अपना सर्वस्व समर्पण परमात्मा के चरणों में कर देंगे, परमात्मा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, तब जा करके साधना में उपलब्धि होगी, साधना में हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। संसार में भले हिमालय में जा करके तपस्या कर ले, बड़े बड़े यज्ञ कर ले, करोड़ों की संपत्ति का दान कर दे, अपने शरीर के अंगों का दान कर दे, किसी भी तरह से कर दे, उससे आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती है। जब तक हम सर्वस्व समर्पण नहीं करेंगे तब तक हम साधना रूपी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। उसको प्राप्त करने के लिए पहले अपने अंदर काम क्रोध आदि विकारों को नष्ट करना होगा, शरीर भाव से परे होना होगा और आत्मिक दृष्टि से उसको देखना होगा, और आत्म तत्व की पहचान करके हमें जब साध्य को प्राप्त करेंगे, मतलब साध्य हमारे प्रियतम धामधनी श्री राज जी, जब उनके स्वरूप को जान करके अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, जब हम उसको प्राप्त करेंगे, तब जा करके हम कह सकते हैं कि हमने साध्य को प्राप्त कर लिया है, जब जा करके हम कह सकते हैं कि हमने साधना पूरी कर ली है। नहीं तो संसार में कोई भी साधना को पूरी नहीं कर, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक लोग ध्यान करते, साधना करते, तपस्या करते, फिर भी उनकी साधना पूरी नहीं होती। साधना जब तक पूरी नहीं मानी जाएगी, जब तक हम साध्य को नहीं पहचानेंगे, जब तक उसके स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारी साधना पूरी नहीं हो सकती। उसको प्राप्त करने के लिए पहले उसको जानना होगा, उसके यथार्थ स्वरूप को जानना होगा। जब उसके यथार्थ स्वरूप को जान करके जब हम उसको अपने दिल में बिठाएंगे, संसार के अंदर केवल परमात्मा की सत्ता है, हमें प्रकृति निराकार मंडल से परे जा करके परमात्मा के दिव्य धाम में जाकर के जब हम परमात्मा को मानेंगे, प्रकृति निराकार मंडल से परे जो परमात्मा का स्वरूप है, धाम है, उसको हमें आत्मिक दृष्टि से वहाँ पहुँच करके जब हम युगल स्वरूप को अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, परमात्मा के स्वरूप को अपने दिल के अंदर बिठाएंगे, तब जाकर के हमारी साधना पूरी होगी। उससे पहले हमारी साधना कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वह साधना हमारी अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए कारण से मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए, अपनी जो साधना है, जो अपना लक्ष्य है, उसको हमें पूर्ण रूप से उसको सफल करने के लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सफलता है।